हेलो दोस्तों, लोकल इन्फो बाई टी एस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो मैं आ गया हूं गया के बस स्टैंड में, जो कि मानपुर बस स्टैंड है। यहां मैं आपको दिखाऊंगा कि बस स्टैंड कहां कहां के लिए बस खुलती है, क्या टाइमिंग है। वैसे मैं बता दूं आपको कि गया में टोटल 4 से 5 बस स्टैंड है, लेकिन ये जो मानपुर बस स्टैंड है यहां से देखिए, जैसे कि गया से सिलीगुड़ी है, वजीरगंज है, हिसुआ है, नवादा है, बिहार शरीफ, लखीसराय, पूर्णिया, इन सब जगहों के लिए। फिर पटना गया मेल भी है यहाँ पर, देखिए इस्लामपुर, हुलासगंज, यहाँ से आप पटना भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी जगहों के लिए बस मिल जाएंगी। मेन रोड इस साइड है, ये जो गाड़ियाँ जो चल रही है वो मेन रोड है। वो मेन रोड ऐसे है, अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ से आपको सिकड़िया मोड़ के लिए बस स्टैंड में जाने के लिए गाड़ियाँ मिल जाएंगी। ऐसे यहाँ पर 4 बस स्टैंड है प्रजेंट में, एक मानपुर है, एक सिकड़िया मोड़ है, सिकड़िया ही मोड़ के पास एक और है, और एक गया स्टेशन के पास है। यहाँ से आपको जो है कि मतलब बहुत सारी गाड़ियाँ मिल जाएंगी। जैसे गया से जो सिलीगुड़ी में दिखाया तो इसका टाइमिंग 3 बजे है, उस तरीके से देखिए आप पूर्णिया के लिए भी गाड़ी मिलेगी। सिलीगुड़ी है, किशनगंज है, पूर्णिया है, तो इसका भी टाइमिंग 3:30 बजे है। और ऐसे मैं यहाँ मालूम किया तो मालूम चला कि नवादा के लिए जो गाड़ी लास्ट है वो 6:30 बजे है, और पटना के लिए 1 बजे तक है। जो भी दूर के लिए जो गाड़ियाँ हैं वो 1, 2, 3 बजे तक है। ऐसे यहाँ आइएगा आप तो रेलवे स्टेशन जो है वहाँ से आपको गाड़ी शाम तक मिलेगी, क्योंकि मैं लॉकडाउन में भी ट्रैवल किया हूँ तो 5-6 बजे तक मिल जाती है। वैसे तो बस स्टैंड, तो जब ट्रेन वहाँ चलती है तो बस स्टैंड जाने की क्या ज़रूरत है। और बिहार शरीफ के लिए 6 बजे तक गाड़ियाँ यहाँ मिलती है। अभी मैं यही गाड़ी से आया था, बिहार शरीफ से होते हुए राजगीर होते हुए आया था। 150 रुपया लगा हमें राजगीर से यहाँ आने में पैसा, और लगभग 2.5 घंटे का ट्रैवलिंग टाइम लगा। वैसे फुल्ली एसी से आया था, और राजगीर से जो है कि यहाँ का गया का किराया जो है कि 150 रुपया एसी का लगा अभी प्रेजेंट में, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। और 120 रुपया जो है लोकल का, लोकल से मतलब यह है कि मतलब नॉन एसी वाला। टाइमिंग वही आधा घंटे का फ़र्क पड़ता है। मीट ट्रैवल है जो कि आप देख रहे हैं, यहाँ से गया से सिलीगुड़ी के लिए 3:30 बजे का टाइमिंग है, एसी है। तो वो किस तरह से मानपुर है, वजीरगंज है, हिसुआ, इन सब जगहों के लिए गाड़ियाँ मिलती हैं। और आपको अगर यहाँ जहाँ जाना है तो वहाँ के लिए गाड़ी नहीं मिली है। मान लीजिए औरंगाबाद जाना है, चतरा जाना है, रांची जाना है, तो यहाँ आप अगर आ जाते हैं मानपुर बस स्टैंड में तो यहाँ से आपको ऑटो मिलेगी सिकड़िया मोड़ के लिए। तो सिकड़िया मोड़ आप जाइएगा तो वहाँ से आपको डोभी के लिए, औरंगाबाद के लिए, चतरा के लिए, रांची के लिए, वहाँ से भी एक और बस स्टैंड है, रानी बस लक्ष्मी करके बस स्टैंड है, नाम ध्यान में नहीं आ रहा है। तो वहाँ से आप बहुत सारी जगहों के लिए गाड़ियाँ मिल जाएंगी। तो मैं बता था कि 4 बस स्टैंड है यहाँ पे। फिर जहानाबाद के लिए बस स्टैंड आपको गया स्टेशन के पास से मिलेगी बस। देखिए जैसे ये गाड़ी वाला भाई बोले कि सिकड़िया मोड़ है, तो सिकड़िया मोड़ जाइएगा तो बहुत सारे बसेज वहाँ से भी मिल जाएंगे आपको। ये रास्ता जो देख रहे हैं ये बोध गया होते हुए निकल जाएगी डोभी मेन, या फिर जीटी रोड जिसको कहते हैं वहाँ निकल जाएगी। जहाँ से आपको दिल्ली जाना हो, कलकत्ता जाना हो, बहुत आसान हो जाता है। डोभी यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर का अंतर होगा, 30 किलोमीटर का, उससे ज़्यादा नहीं होगा। एक अंदाज़ा बता रहा हूँ, मैं नापा नहीं हूँ, मैं मैप नहीं चला रहा हूँ, एक अप्रोक्स मैं बताता हूँ। यहाँ से गया स्टेशन की दूरी लगभग 5 किलोमीटर की होगी, और गया स्टेशन जाने के लिए भी यहाँ से आपको गाड़ी मिल जाएगी। यहाँ से 100 मीटर आगे एक मोड़ है, वो पल्लिस मोड़ करके है, तो वहाँ से आपको गया स्टेशन के लिए गाड़ियाँ मिल जाएंगी, छोटी बड़ी इन सब टोटो मिल जाएंगे। 20 रुपये किराया प्रजेंट में, फ्यूचर में बढ़ सकता है या घट भी सकता है इस तरीके से। जैसे ये भाई सब स्टेशन के लिए चिल्ला रहे हैं, अभी प्रजेंट में 20 रुपये किराया है। और ये सीधे जो है कि सीधे राजगीर साइड चली जाती है, इस्लामपुर साइड चली जाती है, हुलासगंज साइड चली जाती है। यहाँ से आप जहानाबाद भी जा सकते हैं, गाड़ी तोड़ तोड़ के इस्लामपुर जाना पड़ेगा, गाड़ी तोड़ तोड़ के जा सकते हैं आप, एकंगरसराय जाना पड़ेगा। यहाँ से देखिए गया से रजौली के लिए भी गाड़ी मिलती है। फिर बहुत सारी जगहों के लिए, मैं नाम भी ठीक से नहीं जानता हूँ इतनी जगहों के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ से सितवर से गया, अब ये सितवर कहाँ है, अब हम मैप में हमें सर्च करना पड़ेगा। तो एक बड़ा जगह के लिए मैं बता दिया आपको कि गया इस बस स्टैंड से बिहार साइड के लिए, नवादा साइड के लिए आपको बहुत बहुत ज़्यादा संख्या में गाड़ी मिलेगी। वजीरगंज के लिए, मतलब डिस्ट्रिक्ट की बात को तो नवादा डिस्ट्रिक्ट, नालंदा डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत ज़्यादा संख्या में गाड़ी मिलेगी। और वैसे कहीं भी जाना हो तो पहले बस स्टैंड के बारे में सर्च कर लें। मैं एक अप्रोक्स में छोटा मोटा आपको बस स्टैंड के बारे में बताया। यहाँ पर 4 बस स्टैंड हैं, तो हर जगह के लिए अलग अलग गाड़ियाँ खुलती हैं। चलिए अब मैं वीडियो को एंड करता हूँ, फिर किसी और पार्ट में किसी और नए अपडेट के साथ मिलूँगा। तो वीडियो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, वीडियो देखने के लिए।